ओके स्वागत है दोस्तों हमारे चेक पॉइंट के लेक्चर नंबर 2 में, और शुरुआत करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2। एंड इसमें हम समझेंगे चेक पॉइंट के हिस्ट्री के बारे में कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट में यूज होते हैं और हिस्ट्री क्या है। एंड देन हम समझेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल का पैकेट फ्लो क्या है, चेक पॉइंट फायरवॉल पे जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है तो उसको वो कैसे प्रोसेस करता है आगे। एंड देन डिफरेंट टाइप के डिप्लॉयमेंट चेक पॉइंट में जो यूज होते हैं वो हम जानेंगे। एंड देन थ्री लेयर आर्किटेक्चर, जो चेक पॉइंट का थ्री लेयर आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चेक पॉइंट जो कंपनी है वो किस कंट्री की है, वो है इजराइल की। एंड ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्या हुई थी, ये आप गूगल में टाइप करके सर्च कर लीजिएगा। तो चेक पॉइंट इसराइल की कंपनी है। इनिशियली चेक पॉइंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती थी वो स्प्लैट यूज करती थी, जो कि आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। बाद में चेक पॉइंट ने नोकिया एक कंपनी है, कंपनी थी जो कि फायरवॉल बनाती थी, अभी तो मोबाइल फोन वगैरह बनाती है, तो फायरवॉल बनाती थी नोकिया। तो चेक पॉइंट ने नोकिया को खरीद लिया था, तो उन्होंने बाद में इप्सो और स्प्लैट को कंबाइन करके, यानी इप्सो प्लस स्प्लैट को कंबाइन करके गाय ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और जो कि आपका लिनक्स प्लस यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड बात करें गाया नाम क्यों रखा, तो गाया दोस्तों इजिप्ट की लैंग्वेज में मदर को कहा जाता है, तो इन्होंने नाम गाया रखा। तो बहरहाल इस स्लाइड में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हिस्ट्री तो आप चेक पॉइंट की गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पैकेट फ्लो। अगर दोस्तों पैकेट फ्लो की बात करें तो हर फायरवॉल का अपना अपना डिफरेंट पैकेट फ्लो होता है, और एएसए का अपना अलग है। एएसए 8.2 वर्जन अभी जो लेटेस्ट है, 8.2 के बाद के जितने वर्जन आए हैं उन पे थोड़ा डिफरेंस आया है पैकेट फ्लो का। वो क्या आया है हम जब एएसए की सीरीज अपलोड करेंगे तो जानेंगे। एंड चेक पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चेक पॉइंट का पैकेट फ्लो कुछ इस तरीके से है, जब भी कोई पैकेट हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल को रिसीव होता है तो सबसे पहले वो सेम डेटाबेस को चेक करता है। दोस्तों सेम डेटाबेस क्या है इसके बारे में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अगर हल्का हल्का बताया जाए तो सेम डेटाबेस होता है, एक रूल क्रिएट होता है, स्मार्ट व्यू मॉनिटर एक टूल होता है चेक पॉइंट का, उसके अंदर जहां पे कि आपको अगर पता लगता है किसी पर्टिकुलर आईपी से कोई अटैक हो रहा है और आपको उसे सडनली ब्लॉक करना है तो हम उसे सेम डेटाबेस में इंक्लूड करके रूल क्रिएट करते हैं। और देन चेक पॉइंट आपका चेक करेगा एंटी स्पूफिंग को, इंटरफेस पे जो आप एंटी स्पूफिंग कॉन्फ़िगर करते हैं उसे चेक करेगा। देन नेक्स्ट नंबर पे वो आपका रूल चेक करता है कि क्या फायरवॉल पे उस पैकेट के लिए, यानी उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन और उस पोर्ट के लिए कोई रूल डला है या नहीं डला है। अगर रूल है तो नेक्स्ट स्टेप वो डेस्टिनेशन नेट चेक करता है, क्या इस पैकेट के लिए, इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के लिए कोई डेस्टिनेशन नेट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेगा, राउट लुकअप चेक करेगा। राउट लुकअप में क्या करेगा, वो उस पैकेट के लिए राउट चेक करेगा कि क्या इस पैकेट के इस सोर्स आईपी के लिए और इस डेस्टिनेशन के लिए कोई राउट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर है तो भी आगे फॉरवर्ड करेगा। देन वो चेक करेगा सोर्स नेट, क्या इस पैकेट के लिए कोई सोर्स नेट है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करेगा। एंड देन चेक करेगा आपका वीपीएन, क्या जो आईपी आप फायरवॉल को रिसीव हुआ है वो किसी एग्जिस्टिंग वीपीएन का मेंबर है या नहीं है, तो वो चेक करेगा। अगर एग्जिस्टिंग वीपीएन का मेंबर है तो उसे उस वीपीएन के थ्रू ट्रांसफर करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं है तो आगे इंस्पेक्शन के लिए फॉरवर्ड करेगा। दोस्तों लेयर 7 इंस्पेक्शन क्या होता है, इसमें आपका यूआरएल चेक किया जाता है कि बंदा फेसबुक एक्सेस करना चाहता है, यूट्यूब, या उसे अलाउ करना है नहीं करना है। आपका आईपीएस चेक किया जाएगा कि क्या अगर कोई अटैचमेंट फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या उसमें कोई मेलिशियस वायरस है या कुछ भी चीज ऐसी है। एंड देन आइडेंटिटी अवेयरनेस एंड ऑल अदर थिंग्स इट विल चेक इन लेयर 7। एंड देन फाइनली वो आपके पैकेट को राउट करेगा।
तो अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया उसे मैच नहीं करता है तो उस पैकेट को वहीं पर डिस्कार्ड कर देगा। एंड डिस्कार्ड कर देगा मींस अगर डेस्टिनेशन नेट चेक करता है और उसके लिए डेस्टिनेशन नेट नहीं है तो भी वो उसे फॉरवर्ड करेगा, अगर है तो वो उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा। तो डिस्कार्ड कर देगा मतलब कि अगर उसका रूल पॉलिसी अगर पहले ही ब्लॉक है तो वो यहां पे डिस्कार्ड करेगा, यहां पे डिस्कार्ड करेगा, और अगर राउट नहीं है तो यहां पे डिस्कार्ड करेगा। तो कंडीशन अप्लाई होती है अलग अलग। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पैकेट फ्लो किस तरीके से चेक पॉइंट पे वर्क करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में। ओके सो ओके दोस्तों, अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं अपने चेक पॉइंट फायरवॉल में, तो चेक पॉइंट फायरवॉल का डिप्लॉयमेंट कुछ बाकी फायरवॉल से अलग रहता है। यहां पे दोस्तों डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पहले नंबर पे चेक पॉइंट का डिप्लॉयमेंट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, जिसमें कि आपका गेटवे अलग होता है एंड मैनेजमेंट सर्वर अलग होता है। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी एक सिक्योर वे में होती है जिसे सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है यह हम आगे जानेंगे। एंड बहरहाल आप इतना जान जाइए कि ये 128 बिट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करके सिक्योर मैनर में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है आपकी गेटवे और मैनेजमेंट के सर्वर मैनेजमेंट के बीच में। और नेक्स्ट हमारा है डिप्लॉयमेंट स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। दोस्तों अगर स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट वो डिप्लॉयमेंट होता है जिसमें कि आपका मैनेजमेंट प्लस गेटवे सर्वर दोनों सेम बॉक्स में होते हैं, यानी ये आपका स्टैंड अलोन बॉक्स है, ये इक्वल होता है आपके मैनेजमेंट प्लस गेटवे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक सिंगल बॉक्स के अंदर। ओके तो स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट को लेके फिर हम फर्दर आगे डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट करते हैं अपने फायरवॉल को हाई अवेलेबिलिटी में कन्फिगर करने में। लेट्स अब मैं एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा। ये मेरा फायरवॉल है, ये गेटवे ओनली सिंगल गेटवे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट सर्वर की जगह मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टैंड अलोन बॉक्स यहां पर डाल दिया, ये एज ए सिक्योरिटी गेटवे प्लस मैनेजमेंट दोनों काम करेगा। तो मैंने इनको बाद में फेल ओवर यानी हाई अवेलेबिलिटी में डाल दिया कि ये गेटवे भी है, ये भी गेटवे है, एंड मैनेजमेंट अगर मुझे चाहिए तो ओनली मेरे पास सिंगल मैनेजमेंट है जो कि स्टैंड अलोन बॉक्स है। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक मैनेजमेंट अलग से बॉक्स ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, और एक स्टैंड अलोन बॉक्स लिया मैंने सिक्योरिटी प्लस मैनेजमेंट, और मैंने इसको प्राइमरी मैनेजमेंट बना दिया, इसको सेकेंडरी मैनेजमेंट बना दिया, और मेरा गेटवे ये रहेगा। तो ट्रैफिक मेरा सारा यहां से पास होगा, पॉलिसी पुश वगैरह प्राइमरीली मैं यहां से करूंगा, अगर ये डाउन हो जाता है तो ये स्टैंड अलोन बॉक्स तो है ही तो मैं पॉलिसी यहां से पुश करूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता हूं। बस बेसिक अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो टू टाइप के डिप्लॉयमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैंड अलोन। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, थ्री लेयर आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी चेकपॉइंट फायरवॉल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि थ्री लेयर आर्किटेक्चर क्या है चेकपॉइंट में। तो इट्स अ नॉट ए बिग डील, आप अगर ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। बाकी जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको जानते हैं। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं चेक पॉइंट थ्री लेयर आर्किटेक्चर की। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर जो पहले नंबर पे हमारा पीसी जो हमें शो कर रहा है, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम चेक पॉइंट की लैंग्वेज में हम कहते हैं स्मार्ट कंसोल। मैं लिख देता हूं यहां पे स्मार्ट ओके कंसोल। ओके होता क्या है, इसमें हम अपने पीसी से अपने मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस लेते हैं, और एक्सेस किसके थ्रू लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं स्मार्ट डैशबोर्ड के थ्रू,
अब स्मार्ट डैशबोर्ड क्या है ये जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये आप अभी इतना समझ लीजिए कि एक कॉन्सोल होता है, यानी मुझे फेसबुक एक्सेस करना है तो मैं facebook.com डालता हूँ तो मेरे सामने एक पेज आ जाता है जिसमें हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद फेसबुक पेज जब हमारे सामने ओपन हो जाता है तो उसमें हम कोई भी स्टेटस पोस्ट कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो मैनेजमेंट सर्वर से हम कॉन्सोल लेते हैं, एक टूल आता है स्मार्ट डैशबोर्ड, उसे एक्सेस करते हैं अपने पीसी में, या स्मार्ट डैशबोर्ड की तरह स्मार्ट व्यू मॉनिटर, स्मार्ट ट्रैकर, स्मार्ट व्यू अपडेट, स्मार्ट व्यू इवेंट, तो काफी सारे टूल आते हैं। तो जनरली हम स्मार्ट व्यू डैशबोर्ड पे चेंजेस करते हैं। अगर मुझे रूल क्रिएट करना हो तो मैं स्मार्ट डैशबोर्ड को एक्सेस करूंगा, नेट करना हो, वीपीएन क्रिएट करना हो, आइडेंटिटी अवेयरनेस से रिलेटेड, तो सारा कुछ मैं मोस्टली 90% काम अपना स्मार्ट डैशबोर्ड पे करता हूँ। तो हमारा पीसी कहलाता है स्मार्ट कंसोल, जहाँ पे कि हम स्मार्ट कंसोल को एक्सेस करके रूल, पॉलिसी, नेट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। और जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं अपने स्मार्ट मैनेजमेंट सर्वर पे, या इसको चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर कहा जाता है। तो क्रिएट करने के बाद हम पॉलिसी पुश करते हैं। तो अब मैनेजमेंट सर्वर का क्या क्या काम है, जो हमने चेंजेस यहाँ पे किया उन चेंजेस को ये अपने आप में स्टोर करेगा। लॉग की अगर हम बात करते हैं, जो भी ट्रैफिक का लॉग आएगा वो यहाँ पे अपने आप में स्टोर करेगा। तो मैनेजमेंट का काम है कि उन सारे चीजों को मैनेज करना, उनको अपने आप में स्टोर करना। तो लेट सपोज मैंने कोई नया रूल क्रिएट करा, मैंने पॉलिसी पुश करी, तो मैनेजमेंट सर्वर क्या करेगा, उस पॉलिसी पैकेज को, जो ये लेट सपोज मैंने पॉलिसी पैकेज है, इस पॉलिसी पैकेज को वो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर जीरो अंडरस्कोर फाइव डॉट सी फॉर्मेट में। आप चेक कर लीजिएगा ये अंडरस्कोर यहाँ पे आता है या नहीं आता, आप चेक कर लीजिएगा। जहां तक आएगा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर जीरो डॉट अंडरस्कोर फाइव डॉट सी फॉर्मेट में कन्फिगर करके चेक पॉइंट पुश कर देता है अपने गेटवे पे। अब गेटवे का क्या काम है, गेटवे का काम है जो रूल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैफिक जो भी इसमें आएगा, इन या आउट होता है, उसको फिल्टर करेगा। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप टेक्निकल तो हैं इतने। तो क्विकली एक बार देखते हैं, मैंने रूल क्रिएट किया अपने पीसी पे, पीसी से वो रूल अप्लाई हुआ, स्टोर हुआ आपके मैनेजमेंट सर्वर पे, मैनेजमेंट सर्वर ने उसको रिक्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अप्लाई कर दिया गेटवे पे। किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट अंडर स्कोर जीरो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर स्कोर जीरो अंडर स्कोर फाइव डॉट सी फॉर्मेट में, और ये आपका उसके अकॉर्डिंगली ट्रैफिक को फिल्टर करेगा जो भी चेंजेस आपने किए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम नाम की बात करते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं, इसको कहते हैं स्मार्ट कंसोल, इसको स्मार्ट व्यू मानो नो स्मार्ट मैनेजमेंट सर्वर SMS, और इसको कहते हैं स्मार्ट गेटवे SG, या आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इन्फोर्समेंट मॉड्यूल कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ओके, तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है आपका, और डेली की तरह यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि जो कि आपको सर्च करना होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने आप अपनी ओर से एफर्ट देना होता है कि डिफरेंस क्या है चेक पॉइंट और ASA फायरवॉल के बीच में, आपको मेजर डिफरेंस क्या दिखता है। तो आप जो भी आपको डिफरेंस दिखता है, मेजर डिफरेंस, आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप अपने नॉलेज डेटाबेस जो आपके माइंड में है उसमें आप डाल लीजिएगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं facebook.com पे, नेटवर्क सील के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, ये सभी के लिए ओपन है, यानी ये मेरी प्रोप्राइटी नहीं है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इश्यू आप फेस करते हैं कहीं पे तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और आप हमें हमारी वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं नेटवर्क सील अकेडमी के डॉट नेटवर्क सील अकेडमी डॉट कॉम पर। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।